देशों के दौरे से दिल्ली लौटे पीएम का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। जेपी नड्डा ने की पीएम के स्वागत की अगुवाई। पीएम ने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार को दुनिया सुनती है। तो दुनिया ये विश्वास करती है कि ये अकेला नहीं बोल रहा है, 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड को देंगे पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात। 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाएंगे हरी झंडी। दिल्ली से देहरादून के बीच चलेगी ये ट्रेन वंदे भारत। यूपी में आज से होगा तीसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का आगाज। शाम 7 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। 200 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के करीब 5000 एथलीट लेंगे हिस्सा। गृह मंत्री अमित शाह का असम दौरा। आज गुवाहाटी में आयोजित कार्यक्रम में 45,000 उम्मीदवारों को देंगे नियुक्ति पत्र। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की रखेंगे आधारशिला। कड़ी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अहमदाबाद की साबरमती जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल किया गया शिफ्ट। गुजरात एटीएस की 14 दिन की रिमांड में था लॉरेंस बिश्नोई। नई संसद के उद्घाटन के बहिष्कार पर एनडीए ने 20 राजनीतिक दलों पर साधा निशाना। बयान जारी कर कहा, ये केवल अपमानजनक नहीं, महान राष्ट्र के संवैधानिक मूल्यों का भी अपमान है। मुंबई ने आईपीएल के एलिमिनेटर मुकाबले में लखनऊ को दी मात। दूसरे क्वालिफायर में अब गुजरात से टक्कर। जीतने वाली टीम का चेन्नई से फाइनल मुकाबला। इमरान खान को एक और बड़ा झटका। पीटीआई के दो बड़े नेताओं ने छोड़ा साथ। फवाद चौधरी और असद उमर ने पार्टी से दिया इस्तीफा। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। आप देख रहे हैं देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया, खबरों की दुनिया में जिसकी बादशाहत लगातार कायम है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है और न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर वन चैनल बना हुआ है। और इस तरह हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।